हेलो हाय एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल मेक मनी ऑनलाइन। और आज हम आपको पिच रिपोर्ट देने वाले हैं नेल्सन क्रिकेट स्टेडियम न्यूजीलैंड की, जो छोटा ओवल के नाम से ही मशहूर है, मिनी ओवल भी बोलते हैं इसको फ्रेंड्स। वहाँ पे न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का T20 मैच होने वाला है फ्रेंड्स। इसके लिए हम आपको पिच रिपोर्ट देंगे पूरी तरह से, आपको साथ में कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे उस पिच के प्रूफ के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने आज तक 3 पिच रिपोर्ट्स दी हैं फ्रेंड्स, तीनों की तीनों बिल्कुल सही रही हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि ये भी बिल्कुल सही जाएगी और उसी तरह एक्सपेक्ट करेगी जिस तरह दूसरे मैचेस में किया। और फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे T20 मैच होने वाला है, तो आज तक यहाँ पे जितने भी T20 मैच तो हुआ नहीं है यहाँ पे कोई इंटरनेशनल, और यहाँ पे इंटरनेशनल वनडे मैच हुए हैं। उनके कुछ आंकड़े दिखा देंगे आपको प्रूफ के तौर पे भी, किस तरह की रिपोर्ट में प्रूफ देना भी ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, भी किस तरह की पिच बिहेव करती है। तो फ्रेंड्स साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखाता हूँ, साथ में बताता हूँ पिच किस तरह के बिहेव करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स बात करें हम यहाँ पे अगर पिछले वनडे की, तो पिछला वनडे यहाँ पे खेला गया था बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड जीता था फ्रेंड्स। और बात करें यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे 2 मैच खेला है फ्रेंड्स और दोनों ही हरा है। एक न्यूजीलैंड से हरा, दूसरा स्कॉटलैंड से या न्यूजीलैंड के साथ था शायद फ्रेंड्स, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा फ्रेंड्स। वहाँ पे बात करें तो बांग्लादेश ने यहाँ पे टोटल रन बनाए थे लगभग 236 रन बनाए थे फ्रेंड्स, 9 विकेट के नुकसान पे, और उसमें से विकेट लिए थे टिम साउदी को 1 विकेट मिला था फ्रेंड्स, जीतन पटेल को 1 विकेट मिला था, हेनरी को 2 विकेट मिले थे, नसीम को 1 विकेट मिला था फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मिचेल सेंटनर को 2 विकेट मिले थे, केन विलियमसन को 1 विकेट मिला था फ्रेंड्स। और बात करें यहाँ पे अगर न्यूजीलैंड की पारी की, तो फ्रेंड्स न्यूजीलैंड की पारी में मार्टिन गुप्टिल ने 6 रन बनाए थे, टॉम लाथम ने 4 रन बनाए थे फ्रेंड्स, और केन विलियमसन 95 ब्रूम ने यहाँ पे बनाए थे फ्रेंड्स 97 रन, और 100 के स्ट्राइक रेट थे फ्रेंड्स, और इसमें से वो मैन ऑफ द मैच भी थे फ्रेंड्स। अभी बात करें पिच की, तो फ्रेंड्स पिच यहाँ पे बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को हेल्प करती है। और यहाँ पे सीमर्स जो मीडियम स्पीड्स के बॉलर होते हैं उनको ज़्यादा हेल्प करती है फ्रेंड्स। और पिच साथ ही साथ शुरू के 10 ओवर में लगभग काफ़ी बैट्समैन को काफ़ी सपोर्ट करती है फ्रेंड्स, 10 से 15 ओवर। और फ्रेंड्स इसमें एक बात और बताना चाहूँगा, और जिस तरह इसका न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक है उसके सामने फ्रेंड्स एक बात मान लीजिए, वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज की काफ़ी अग्नि परीक्षा होने वाली है। और बात करें यहाँ पे, तो अभी मैं आपको टीम की कुछ रिपोर्ट्स भी दूंगा, किस तरह की आपको टीम बनानी चाहिए फ्रेंड्स, और टीम का प्रेडिक्शन भी दूंगा साथ में फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊँगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस। चलिए फ्रेंड्स अभी बात करते हैं, कुछ और आंकड़े दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे अगर बात करें उस मैच में विकेट्स लेने की, तो मुस्तफिर रहमान ने 2 विकेट लिए थे फ्रेंड्स, और किसी प्लेयर को विकेट नहीं मिला था। अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पिछली बार जो यहाँ पे वो ODI मैच हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड को, उसके आंकड़े हैं फ्रेंड्स ये आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं 285 रन बने थे, 6 विकेट के नुकसान पे न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में फ्रेंड्स। और विकेट की बात करें तो जैसन ऑर्डर को 1 विकेट मिला था, TL बेस्ट को 1 विकेट मिला था, DJ ब्रावो को 2 विकेट मिले थे, और सुनील नारायण को 1 विकेट मिला था फ्रेंड्स। और बात करें यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की पारी की, तो लेंडल सिमन्स ने 43 रन बनाए थे, DJ ब्रावो ने भी 43 बनाए थे फ्रेंड्स, और दिनेश रामदीन ने 17 रन की पारी खेली थी, और ये पूरी तरह से हारा था फ्रेंड्स वेस्ट इंडीज़। ओके फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा आप कुछ आंकड़े, जिस तरह ये देखिए फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने। पहला एरो का देखिए फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ सब, और यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा हूँ आपको फ्रेंड्स। यहाँ पे 4 जून 2014 को ODI खेला गया था, और इसमें न्यूजीलैंड 58 रन से जीता था फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और दूसरा वेस्ट इंडीज़ वर्सेज आयरलैंड, ये 4 विकेट से आयरलैंड जीता था फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे न्यूजीलैंड का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। और मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि आप ज़्यादा जाइए, वेस्ट इंडीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है, वेस्ट इंडीज़ का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है और आप यहाँ पे न्यूजीलैंड के बैट्समैन के साथ ज़्यादा जा सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अभी मैं आपको टीम दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह की टीम बनाइए। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, उसके लिए मैं कुछ देर के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे टीम सिलेक्शन प्रीव्यू में, न्यूजीलैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ के। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले तो आप दोनों ही बैट विकेट कीपर के ऑप्शन तो अच्छे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आप ग्लेन फिलिप्स के साथ जा सकते हैं। ग्लेन फिलिप्स काफ़ी अच्छी बैटिंग दिखाई है इन्होंने न्यूजीलैंड T20 का जो वेस्ट लीग चल रही है उसमें। और फ्रेंड्स अगर बात करें T20 में तो स्पेशलिस्ट क्रिस गेल हैं और मार्टिन गुप्टिल और कॉलिन मुनरो सबसे बेस्ट है फ्रेंड्स। आंद्रे फ्लेचर को ले सकते हैं, टॉम ब्रूस को ले सकते हैं, जसन मोहम्मद, हेटमर, फ्रेंड्स इनको छोड़िए, 4 बैट्समैन के साथ हम जाएंगे। मिचेल सेंटर को ले सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम भी आपको बेस्ट ऑप्शन फ्रेंड्स चार्ल्स ब्रैथवेट के साथ जाइए। किरण पोलार्ड ले सकते हैं आप, किरण पोलार्ड नहीं लेना चाहते तो रोमन पावेल ले सकते हैं फ्रेंड्स। और अभी टिम सऊदी मेन बॉलर हैं, उनके काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो ईशोडी एंड अगर आप ईशोडी को नहीं लेना चाहते क्रिस विलियमसन को ले सकते हैं फ्रेंड्स। मैट हेनरी फ्रेंड्स मेरी टीम तो ये बेस्ट है, मैं आपको प्रीव्यू दिखाने वाला हूँ। और इसमें अगर हम बात करें कैप्टन और वाइस कैप्टन की तो फ्रेंड्स इसमें कैप्टन आप क्रिस गेल को रख सकते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कॉलिन मुनरो को रख सकते हैं, आंद्रे फ्लेचर को और मिचेल सैंटनर को। अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स मार्टिन गुप्टिल, सैंटनर, रोमन पावेल, ब्रैथवेट और टिम सऊदी। फ्रेंड हमारे पास ये कई ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा क्योंकि फ्रेंड्स ग्रैंड लीग में लगभग लोगों का कैप्टन होगा क्रिस गेल, तो मैं फ्रेंड्स क्रिस गेल के साथ नहीं जा रहा, मैं जाऊँगा आंद्रे फ्लेचर के साथ। और अगर बात करें वाइस कैप्टन की तो मैं जाऊँगा मिचेल सैंटनर के साथ। फ्रेंड्स ये मेरी बेस्ट टीम है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू। और आशा करता हूँ कि आप सभी जीतें और अच्छी विनिंग करें। थैंक यू फ्रेंड्स।